बिलासपुर शहर में हुए गोलीकांड में पुलिस ने शूटर के साथ साथ दो मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शूटर आरोपी युवक सनी गिल के साथ साथ सदर पूर्व विधायक बाबू ठाकुर का बड़ा बेटा पुरंजन ठाकुर भी संबलित पाया गया है। साथ ही तीसरा आरोपी गौरव नड्डा है, जिसके पिता के सरकारी आवास चंग सेक्टर में आरोपी शूटर काफी दिनों से रह रहा था। बिलासपुर पुलिस ने अभी तक सनी गिल और गौरव नड्डा को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको कोर्ट की ओर से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर SP विवेक चहल ने बताया कि पूर्व विधायक बाबा ठाकुर के बेटे ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन याचिका रद्द हो गई है। पुलिस का मानना है कि पूर्व विधायक बाबू ठाकुर का बेटा पुरंजन गोलीकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। बहना जट्टा के युवक गौरव नड्डा को गिरफ्तार किया गया है। बीते दिन गिरफ्तार शूटर सनी गिल ने 15 जून से गौरव नड्डा के साथ उसके पिता के सरकारी आवास पर रह रहा था। शूटर ने गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में बाबू ठाकुर के बेटे का नाम लिया था। आपको बता दें कि बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर से 24 घंटे में एक और मामले में गुत्थी सुलझाई है। पुलिस ने मौके पर ही शूटर को गिरफ्तार किया। बाद में इस मामले में संपलित दो आरोपियों में से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और तीसरे आरोपी को भी पुलिस पकड़ने में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले में संपलित मुख्य आरोपियों तक पुलिस पहुंच चुकी है और पुरंजन ठाकुर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। घटना के तुरंत बाद जो मौके पर जिसने पाया गया था वो आरोपी सन्नी गिल, जो कि लुधियाना का रहने वाला, उसको मौके पर ही डिटेन कर लिया गया था और थाने ले जाया गया। घटना में ये सामने आया कि उसके पास एक जो है कंट्री मेड वेपन मिला है, उससे दो फायर हुए हैं। दो जो है, एक जो है विक्टिम है सौरभ पटियाल, उसको लगा है, और दूसरा जो फायर है पास में खड़ी गाड़ी में लगा था। मौके से दो जो है खाली खोल भी बरामद किए गए। इसके बाद FIR दर्ज की गई और इस अक्यूज को थाने में ले जाया गया और इसे पूछताछ जब की गई तो उस पूछताछ में सामने आया है कि ये जो अक्यूज है पिछले कुछ समय से यहीं बिलासपुर में एक लड़का है जिसका नाम है अनमोल शर्मा उर्फ गौरव नड्डा, जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास उसके पिता का सरकारी क्वार्टर है, वहां पर ये पिछले कुछ समय से रह रहा था। और जब उस व्यक्ति का क्वार्टर तलाश किया गया तो इसकी जो जरूरत की जो चीजें हैं, कपड़े वगैरह, वहां मिले, जो कि प्रूव करते हैं वहां पर रह रहा था। गौरव नड्डा, अनमोल शर्मा गौरव नड्डा जो है वो भी इस पूरी घटना में शामिल होना पाया गया। उसको पता था इस पूरी घटना का और वो उसने इसको शह दी और सेंटर दिया, कुछ अपने पास इसको रुकवाया। इसके पश्चात जो सन्नी गिल मुख्य है, जो इसमें आरोपी जो है जिसने फायर किया था, उसके इंटेरोगेशन में आया है कि इससे जो है कॉन्टेक्ट पुरंजन ठाकुर, जो कि सदर के रहने वाले हैं, पुरंजन ठाकुर, सौरभ बंबर ठाकुर, उससे ये टच में था और पिछले 20-25 दिन से उसे टच में था। एक दो बार आया था, आगे वापस चला गया था, अभी पिछले कुछ समय से 5-6 दिन से यहां रुका हुआ था। पुरंजन ठाकुर ने इसको जो है बुलाया और पूरी घटना से वो परिचित था और उसी ने जो है विक्टिम है उनको आइडेंटिफाई करवाया और उन पर फायर करने की पूरी साजिश में शामिल है। इस अक्यूज के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग जगह हम रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको जितना जल्दी हो सके इसको डिटेन किया जाए। इसके बाद अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें दो लोग अरेस्ट हैं, जिनके नाम है मैंने बताया। इन दोनों लोगों का सामने हमने कोर्ट में पेश किया था, माननीय साहब के सामने पेश किया था। इनकी 5 दिन की जो है पुलिस रिमांड इनका प्राप्त किया गया है ताकि इनसे और गहनता से पूछताछ की जाए और कौन एसोसिएट थे और पूरी जो साजिश जो रची गई फायरिंग उसमें और क्या क्या पहलू हैं, उन पहलुओं पर अच्छे से जांच हो सके, इसलिए इनका 5 दिन का रिमांड लिया गया और इनसे पूछताछ अभी जारी है। अभी जो जिसने सूट किया सनी सेगल का नाम है, उसकी जो अन्य आरोपी है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, उसने जो अग्रिम जमानत के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गया है, उससे लगातार इसकी बातचीत है और इसने
माना है कि उसी ने इसको बुलाया था और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए इसको तैयार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।